मिक्स सीजन्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। महाराष्ट्र की प्रसिद्ध थाली पीठ की रेसिपी आपके साथ में आज मैं शेयर कर रही हूँ। यह ज्वार, बाजरे, रागी, चना दाल, गेहूँ और चावल के आटे के साथ बनाई जाती है। इन सभी आटों को हम एक साथ मिश्रित करके फिर इसका आटा मलकर इसे बनाते हैं। मैंने यह मल्टीग्रेन आटा घर पर ही तैयार किया है और इसकी रेसिपी भी मैंने अपलोड कर ली है। आप जाकर ज़रूर उस रेसिपी को देखिए, जिससे यह रेसिपी आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर मैंने एक कप मल्टीग्रेन आटा लिया है। यह आटा मैंने ज्वार, बाजरा, रागी, चना दाल को मिक्स करके बनाया है और इसे चक्की में पीस लिया है। इसी के साथ मैं लूँगी आधा कप गेहूँ का आटा और साथ में लेंगे एक चौथाई कप चावल का आटा। चलिए अब इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर में 5 से 6 हरी मिर्ची ली हैं, 6 से 7 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इसका हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे जो हमें आटे में डालना है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी एक मीडियम साइज कटा हुआ प्याज, साथ में लूँगी हरा धनिया आधा कप, जीरा लूँगी आधा टेबल स्पून, सफ़ेद तिल लूँगी 2 टेबल स्पून, अजवाइन लूँगी मैं 1/4 चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर लेंगे स्वाद के अनुसार, धनिया पाउडर लूँगी 1/2 चम्मच, हल्दी लूँगी 1/4 चम्मच, साथ में नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार और आखिर में हम ऐड करेंगे इसमें 1 चम्मच तेल। चलिए सभी सामग्री को आपस में एक साथ मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद हम धीरे धीरे इसमें पानी डालेंगे। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है। मैंने यहाँ 1 कप पानी लिया है और 1/2 कप पानी में आटे में डाल दूंगी और बचा हुआ पानी अगर हमें लगे ज़रूरत तो हम आगे चल के इसमें ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को पानी के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए हम एक नरम आटा गूंद देंगे। जिस तरह हम रोटी का बनाते हैं ना, बस वैसा ही आटा हमें चाहिए, न ही ज़्यादा सख्त और न ही ज़्यादा नरम। और दर्शकों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो देखिए, आटे को गूंदने में मुझे पूरा 1 कप पानी लगा है। बाज़ार में कई तरीके के मल्टीग्रेन आटे मिलते हैं लेकिन ये बहुत ही महंगे होते हैं। आप इसे सरलता से घर पे भी तैयार कर सकते हैं। मैंने यह आटा घर पर तैयार किया है। मल्टीग्रेन आटा की रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाकर मेरे इस लिंक को प्रेस करके इस रेसिपी को देख सकते हैं। चलिए रेसिपी का नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर आटा अच्छे से गूंध लिया है और मैं इसमें अब 1 चम्मच तेल डालूंगी और आटा को थोड़ा सा चिकना कर लूँगी और 5 मिनट तक इसे ढककर रहने दूंगी। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम थाली पीठ बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है और उसे मैंने पानी में थोड़ा सा भिगो लिया है। मैं यहाँ पर पारंपरिक तरीके से थाली पीठ बनाना आपको बता रही हूँ। अब कपड़े में जो एक्स्ट्रा पानी है आप उसे निचोड़ कर निकाल दें और अब इस कपड़े को चकले के ऊपर या किसी थाली के ऊपर अच्छे से फैला दें। हम थाली पीठ इसी के ऊपर तैयार करेंगे। थाली पीठ के इस आटे को आप कपड़े के ऊपर रखें और ऐसे हाथ से दबाते हुए जितना पतला हो सके उतना पतला बनाएं। अपने हाथ को पानी से गीला कर लें ताकि आप इसे आसानी से फैला सकें और इसमें कोई दरार ना पड़े। आप इस थाली पीठ को बटर पेपर के ऊपर या किसी प्लास्टिक शीट के ऊपर भी बना सकते हैं। इस थाली पीठ के बीच में 2 से 3 छेद करें जिससे कि आपका थाली पीठ तेल सोख सके और जल्दी पके। आप देख सकते हैं कि हमारा थाली पीठ कितना अच्छा बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे कपड़े के सहारे से उठाएंगे और इसे तवे पर डाल देंगे और सेक लेंगे। थाली पीठ को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है। आंच को आप बिल्कुल तेज ना करें, नहीं तो थाली पीठ ऊपर से तो सिक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। थाली पीठ में अब हम चारों तरफ तेल डालेंगे और बीच में जो छेद बनाए थे उसमें से भी तेल डाल देंगे और इसे अच्छे से सेक लेंगे। आप इसे ढक्कन ढककर भी पका सकते हैं या आप इसे ओपन में भी पका सकते हैं। 2 से 3 मिनट बाद ढक्कन खोल दें और इसे पलटते हुए दोनों तरफ से धीरे धीरे दबाते हुए सेक लें। ज़रूरत के अनुसार इसमें 1 चम्मच तेल और डाल के इसे कुरकुरा और करारा सेक लें। आप देख सकते हैं थाली पीठ का रंग बदल रहा है और गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं और बीच बीच में काले से धब्बे दिखने लगे हैं।
इस स्टेज पर आप थाली पीट को फ्लेम से नीचे उतार लें। थाली पीट हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। इसी प्रक्रिया के मुताबिक मैं सभी थाली पीट बना के तैयार कर लूँगी। मल्टीग्रेन आटे में प्रचुर मात्रा में विटामिन, मिनरल और प्रोटीन जैसे पोषक तत्व होते हैं। रोटी के नियमित सेवन से शरीर के पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है, इसलिए आप इस आटे का रोज सेवन किया करें। मल्टीग्रेन आटा में फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण पाचन तंत्र भी सही रहता है। चलिए, बातों बातों में हमारी दूसरी थाली पीट भी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसे उसी प्रक्रिया के मुताबिक अच्छे से सेक लेंगे और फिर हम इसे करेंगे सर्व। इस थाली पीट को आप सुबह के नाश्ते, दोपहर का खाना या रात के डिनर में परोस सकते हैं। यह दही और अचार के साथ में बहुत ही बढ़िया लगता है। मैंने यहाँ पर थाली पीठ को मसाला मिर्ची, हरे धनिए की चटनी और दही के साथ में परोसा है। तो आप भी यह करारी और कुरकुरी थाली पीठ की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ।